तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवा सोल और मैं हूं एक्सप्लोर विद शुभम। और आज हम कवर कर रहे हैं जम्मू के टॉप ब्रेकफास्ट पॉइंट की सीरीज आपके लिए। और आज हम आ चुके हैं अपनी सेकंड लोकेशन में, जो है रावलपिंडी। जम्मू की काफी फेमस एंड ओल्डेस्ट शॉप है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मिलता है आपको वो है देसी घी की पूड़ी। तो पूड़ी के बिना तो ब्रेकफास्ट कम्प्लीट होता नहीं है जम्मू में। हाँ, जब भी जम्मू में आए इसको जरूर एंजॉय करें। और इसकी टाइमिंग आपको बता दें, वो रहती है मॉर्निंग में 6:30 से लेके 2 बजे तक आपको पूड़ी यहाँ मिलती है। और जो लोकेशन जो ये पड़ती है जैन बाजार में, ओल्ड हेरिटेज सिटी। जब आप पाइन तीर्थी की साइड से आओगे नीचे की तरफ, तब भी आपको ये मिल जाएगी लोकेशन। और अगर आप सिटी चौक की तरफ से आते हो, तब भी आपको किसी को भी पूछ के जैन बाजार की तरफ यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो चलिए, आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। चलिए अंदर एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या है अब हमारे पास। ये देखिए, हम पहुँच चुके हैं रावलपिंडी स्वीट शॉप में, जैन बाजार में। और ये यहाँ पे सेटअप देख सकते हैं आप। ये देखिए चने यहाँ पे जो मिलते हैं। और ये कितनी पुरानी शॉप है, 102 साल पुरानी शॉप है जम्मू में। तो जब भी जम्मू में आए यहाँ जरूर एक बार आए, देखिए आपको मिलेंगे सुबह सुबह यहाँ पे देसी घी की पूड़ी, चने। और ये इनका स्पेशल रहता है ओरिया, और ये पत्ते में सर्व करते हैं, तो वो अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट है। तो आइए आपको पूड़ी भी दिखाते हैं बनते हुए। तो सामने क्राउड देखिए, कितना रश है यहाँ पे। हमारे साथ नितिन, शुभम सब वेट कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ रश काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पे दो जगह पे पूड़ी बनती है, क्योंकि एक से काम नहीं चलता। तो ये बिल्कुल देसी घी की पूड़ी बनाई जा रही है। अभी आपको क्लोजअप लुक में दिखाते हैं पूड़ी बनते हुए। ये देखिए कितनी साइज़, देखिए पूड़ी का कितना बड़ा है। और ये देसी घी में बनाई जा रही है पूरी, फुली हुई पूड़ी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो हमारी प्लेट भी रेडी होने वाली है जल्दी से, आपको रिव्यू देते हैं टेस्ट का और क्या क्या आता है उसमें, वो भी बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीटिंग भी है अंदर, अगर आप बैठ के खाना चाहें तो यहाँ पे आप अंदर बैठ के भी खा सकते हैं। तो अभी हमारे साथ एक सर जुड़े हैं जो यहाँ पे आते रहते और एंजॉय कर रहे हैं। सर अपना नाम बताएंगे थोड़ा। मेरा नाम सुनील लंगर जी। आप कब से यहाँ पे आ रहे हो? मैं बहुत देर से 30-40 साल से यहाँ मैं पूरी खाता हूँ। मैं रहने वाला बेसिकली जोनी गाँव। ओह, तो कैसा लगता है यहाँ आके आपको? बढ़िया, इनका जो प्रिपरेशन है बहुत बढ़िया है। हाँ जी, इनकी चटनी वगैरह, आलू वगैरह की हर चीज़ एकदम नीट एंड क्लीन है। नीट एंड क्लीन है। स्पेशल मैं यहाँ पे पूरी खाने आता हूँ। इतनी दूर से? हाँ जी, 40 साल हो गए मुझे आते। 40 साल से आ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। चलो एंजॉय करो आप पूरी, बढ़िया लगा आपसे बात करके। थैंक यू। और यहाँ पे आप और भी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, और सारी स्वीट्स यहाँ पे देसी घी से बनाई जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पे मिलती है चॉकलेट बर्फी, जो भी यहाँ की स्पेशलिटी है, आप जब भी यहाँ आए एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे एक और स्पेशल चीज़ बनती है, वो ये रहता है जम्मू में मालपुड़े, तो ये भी आप एंजॉय कर सकते हैं। कोशिश करेंगे इसका भी रिव्यू दे पाएँ आपको। तो अभी नितिन रिव्यू कर रहे हैं पूड़ी का हमारे साथ। तो ये देखिए बाइट लेते हुए फर्स्ट, और टेस्ट लीजिए इसका, कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा। सच में अच्छा है? हाँ, सच में बहुत अच्छा है। देसी घी की पूड़ी खा रहे हैं सुबह सुबह। हाँ, टेस्ट आ रहा है देसी घी का। हाँ, भाई साहब बड़े हो जाएंगे। लोबिया का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा है। हाँ, तो अभी शुभम भाई पूड़ी का टेस्ट करते हुए, देख के पानी आ रहा है सबके मुंह में। देखिए यार, बड़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, क्रंचनेस देखिए, साइज़ देखो कितना बड़ा है पूड़ी का। तो चलिए टेस्ट बताइए, बाइट बना लेते हैं। बाइट बनाइए, बता दें, क्योंकि मुझे पता है आपके मुँह में पानी आ रहा है। आप जल्दी करो यार, पेट नहीं भूख लगी है सुबह सुबह। तो ये देखो इनकी बाइट रेडी हो रही है। गुड टेस्ट है, जैसा रिकमेंड लोगों ने मुझे किया था उससे बहुत बढ़िया। देसी घी का टेस्ट आ रहा है? एग्जैक्टली, देसी घी का तो भर भर के टेस्ट आ रहा है। तो मतलब मेरे हिसाब से 100/110 मार्क्स देना चाहूंगा मैं। हां, तो अब शिवा सर हमें रिव्यू देने जा रहे हैं रावलपिंडी पूड़ी का। तो शिवा सर ट्राई कीजिए, देखिए। तो गाइस बताइए हमें। सबसे पहले ये देखिए, ये है रावलपिंडी की देसी घी की पूड़ी, और साइज़ देखिए इसका कैसा है, मस्त है। और क्रंचीनेस इसकी पूरी इन्होंने मेंटेन की है। तो साथ में ये देखिए, ये हैं ओरिया अचार और प्याज की चटनी, जो यहाँ की स्पेशलिटी है। और ओरिया आपको बता दें कि राई से बनते हैं आलू, तो काफ़ी टेस्टी रहते हैं। और उसके साथ ये देखिए, ये हमारी चने की सब्ज़ी, और इसमें भी ये आलू मिक्स करके देते हैं। और ये देखिए पत्ते में दिए हुआ है, तो इसका टेस्ट ये लगाता है, इसको ज़रूर ट्राई करना। तो अभी हम लेते हैं इसकी फर्स्ट बाइट, और क्लोजअप लेना। तो ये देखो सॉफ्टनेस पूड़ी की, देसी घी की पूड़ी। और फर्स्ट बाइट में हम पहले करेंगे डिप
चने में, ये देखिए, और साथ में थोड़ा सा तड़का लगाएंगे इसको प्याज की चटनी का। और हमारी बाइट हो चुकी है रेडी। तो क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? लिटरली गाइस एकदम मस्त है, जिसको हम बोलते हैं जकास पूड़ी का टेस्ट आता है। मसालों का जो फ्लेवर है और चटनी के साथ जब मिक्स करके लेते हैं ना, इतना फ्लेवरफुल बाइट आती है, क्या बताएं आपको, मज़ा आ जाता है। मॉर्निंग में पूरा मूड फ्रेश हो गया, ये ज़रूर ट्राई करना है मॉर्निंग में। और बाकी इसका प्राइस भी आपको बताते हैं हम थोड़ी देर में। और आपने देखा कैसा था यहाँ पे, तो जब भी पूरी चना एंजॉय करना हो प्योर देसी घी का, आप रावलपिंडी में आ सकते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।